देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ के आयोजन में ब्रह्म कुमारी आमंत्रित। तो आपका ब्रह्म कुमारियों का ट्रेनिंग सेंटर मैंने देखा, आपका जिस तरह से आप विश्व शांति की बात करते हैं वो दुनिया में अपने आप में एक है। तो जब ऊपर वाले ने सारी चीजें हमें एक जैसी दी है तो फिर हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ के द्वारा हार्मनी ऑफ हार्ट्स स्पिरिचुअल पाथवेज सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय पर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं और मेहमानों ने एक प्रतिष्ठित पैनल में भाग लिया, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा देने का उद्देश्य रहा। मुख्य वक्ताओं में गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ और चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती, अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद कन्वेनर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संस्था जय गुरुदेव के इंदौर प्रांत प्रमुख अरुणानंद जी महाराज, ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जयंती, सिख समाज विचारक पूर्व राज्य मंत्री दिलीप जी राजपाल, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरपर्सन नुसरत महेदी, दरगाह नहर शाहवली इंदौर के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान पटेल, समाज सेवी सीमा जयस्वानी सम्मिलित हुई। इस कार्यक्रम की शुरुआत अंतरधार्मिक वार्ता से हुई, जहां वक्ताओं ने विविधता में एकता के विषय पर अपने विचार साझा किए, जिसके पश्चात मुख्य अतिथियों को अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके जयंती ने अंतरधार्मिक संवाद, अंतरधार्मिक संबंधों को बढ़ाने और शांति तथा समझ पर आधारित विश्व के निर्माण का एक शक्तिशाली साधन आध्यात्मिकता को बताया। तो आपका ब्रह्म कुमारियों का ट्रेनिंग सेंटर मैंने देखा, आपका जिस तरह से आप विश्व शांति की बात करते हैं वो दुनिया में अपने आप में एक है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि शुरुआत है, और शुरुआत में आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसको समझने की आज जरूरत है। मैं 100 से ज्यादा ब्लड बैंक में गया हूँ, हर जगह मैंने बात करी है, लेकिन सिर्फ वहां पूछा जाता है आपका ब्लड ग्रुप। तो जब ऊपर वाले ने सारी चीजें हमें एक जैसी दी है तो फिर हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। हम सबको एक साथ मिलके एकजुट एक दूसरे का साथ दे के हमें आगे बढ़ना है और सबको साथ रहना है, बस यही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। और इस स्वार्थ के कारण ही आज हम सभी दुख और अशांति महसूस करते हैं। आज हम इस टॉपिक पर क्यों विचार करने बैठे हैं, जरूरत है आज कि हम सब विविध होते हुए भी हम एक होकर रहें, जिससे हम सबको सुकून मिले, शांति मिले। जबकि सही मायने में मानव इंसान को मानव धर्म हमारा ये कहता है कि हम सब एक हैं, एक जैसे रहें, एक थाली में खाएं, एक जैसे रह के हम अपने आप का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपन जहाँ भी हैं। आज हम जिसको भी देखें, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई को मानता है, मानने का अलग अलग सबके हो सकते हैं, बस सबका रास्ता एक ही है। तो मुझे शंकराचार्य का आपने एक नूर उपजिया की बात की, तो वही है वो सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सब जगह सारी जड़े जब सब वही है। इस कार्यक्रम का समापन हाजी सैयद सलमान चिश्ती द्वारा प्रार्थना और दुआ के साथ हुआ। यह हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत की सरजमीन से रोज 800 साल से ये पैगाम अजमेर शरीफ में दिया जाता है हमारे देश भारत के लिए कि इस खित्ते इस मिट्टी की जो खुशबू है, इस मिट्टी का जो एहसास है वो कितना खास है। कि तेरा दयार है दारस्सलाम या ख्वाजा, दारस्सलाम अमन की जगह, इंसानियत का मरकज, तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, साध्वी रितांबरा जी से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। ब्रज की देहरी कहे जाने वाले हाथरस के तपस्या धाम सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी बहनों ने वात्सल्य ग्राम श्री धाम वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य दीदी माँ साध्वी रितांबरा जी के आवास पर उनसे मुलाकात की।
इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने साध्वी रितंबरा जी से सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना पर ज्ञान चर्चा की। साथ ही ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू के विषय में वहां के पवित्र प्रकंपन एवं आबू तीर्थ की महिमा बताई। साथ ही उन्हें मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया और ईश्वरीय सौगात भेंट की। साध्वी रितंबरा जी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी बहनें राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, आपका त्याग देश के लिए समर्पित है, आप सनातन संस्कृति पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर बीके सीमा, बीके बबीता भी मौजूद थी। मुख्यालय में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश भर से जुटे कवि, कला साहित्य संस्कृति शिक्षा एवं जन सेवा के लिए समर्पित सारथी परिवार एवं ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग के संयुक्त आयोजन में आनंद सरोवर परिसर में विशेष राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कविता का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। कविता मनुष्य को जीवन जीने की सही शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार देती है। इसके अतिरिक्त कविता मानव मात्र को ऊंचे आदर्श, पवित्र धारणा और अटल आस्था को धारण करने की ऊर्जा और शक्ति देती है। इस कवि सम्मेलन में शिक्षाविदों, समाज सेवियों तथा सहृदय काव्य प्रेमियों ने कविता के लक्ष्य पर खुलकर बातचीत की और बताया कि कविता जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। पंछी में, कीट पतंगों में, सृष्टि के सारे रंगों में, शबरी के जूठे बेरों में, वो जन्म मरण के फेरों में, आरंभ वही है, अंत वही है, पवन पुत्र हनुमंत वही, करथाम करथाम सहारा देते हैं, जीवन की नैया कहते हैं, कहो गर्व से सनातनी, हम महादेव के बेटे आप हैं। हम महादेव के पर गुल कहीं कांटे खिलाती है यही कुदरत, जमाने पर हुकूमत भी चलाती है यही कुदरत, अगर छेड़े कोई इसको उफंती ज्वार भाटे सी, कयामत लाके माटी में मिलाती है यही कुदरत। इस अवसर पर संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग के अध्यक्षा बीके चंद्रिका ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। वहीं भीलवाड़ा से गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास, मावली से हास्य कवि मनोज गुज्जर, प्रतापगढ़ से शैलेंद्र शैलू, नीमच से दीपशिखा रावल, पंचकुला से डॉक्टर प्रतिभा ने अपनी रचनाओं का मंचन किया। मुख्यालय से ब्रह्मा कुमारीज के हजारों गानों को लिखने वाले और कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश एवं बीके विवेक ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। अनुभवी कवि हैं जिनकी लेखनी से स्वयं के अनुभव और संसार के लोगों की कथा, व्यथा, जीवन के अंतरंग सब इनकी लेखनी के द्वारा कागज पर आता है और वो मानव मन को प्रोत्साहित भी करता है, झंझोर भी देता है, प्रेरणा भी देता है, उमंग उत्साह भी देता है और जीवन की एक नई रोशनी देता है। ये बीके जो करंट वाले हैं, अगर इनका कनेक्शन बाबा से हो जाए ना तो परम धाम और वैकुंठ धरती पे होते हैं। सारा अंतरिक्ष आज नीचे आ गया। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अब जो नारी शक्ति है उनकी तालियां आमंत्रित करता हूं अगली पंक्ति पे। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर भारत माँ कभी न सुहागिन कहाए। क्या है वंदे मातरम, धवल धरा मरु धरा वसुंध धरा का गीत ये, मातृभक्ति की प्रथा परंपरा का गीत ये, धीरता से वीरता के सूत्र का प्रवाह गीत, शब्द शब्द देश प्रेम प्रीत का गवाह गीत, गीत ये स्वतंत्रता संग्राम वाली जीत है, जीत क्रांतिकारियों के शौर्यता की रीत है, रीत जिसका रोम रोम घोष वंदे मातरम उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। राजधानी दिल्ली में किंग्सवे सेवा केंद्र की ओर से राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु एवं नोएडा सेक्टर 50 सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके फलक द्वारा केंद्रीय मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें राखी पर्व की शुभकामनाएं दी गईं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, सांसद लवली आनंद, अवधेश प्रसाद की सुपुत्री डॉक्टर अलका, अयोध्या से देवेंद्र महाराज दशरथ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के असिस्टेंट डायरेक्टर राम अवतार को परमात्मा स्नेह का रक्षा सूत्र बांधकर
पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने ब्रह्म कुमारीज मंगलवाड़ी सेवा केंद्र के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2 दिवसीय एम्पावरिंग योर स्पिरिट टूल्स फॉर सेल्फ बिलीफ एंड सक्सेस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यनिष्ठ गुणों को सीखने के लिए आयोजित करना था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से बीके डॉक्टर दामिनी को मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने 1100 से अधिक छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा जीवन के गुणों और सामाजिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने साधारण विचारों से श्रेष्ठ विचारों में कैसे परिवर्तन करें इस पर जोर दिया, साथ ही जीवन में सुधार कैसे लाएं और कैसे श्रेष्ठ संकल्प विचार सागर मंथन करें इस पर बात की। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वागोडिया रोड पर स्थित पंचरत्न गीता पाठशाला की संचालिका बीके परीता, वागोडिया ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके गीता के साथ पारुल यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मेहुल गौर, फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी की डीन डॉक्टर भावनाबेन गढ़वी और CEO जय सुदानी भी उपस्थित रहे। मुख्यालय से ईश्वरीय सेवाओं के लिए युवा प्रभाग के कोर मेंबर बीके हरीश रशिया पहुंचे। बीके हरीश ने रूस के रिविंस्क शहर जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है तथा मॉस्को से 350 किलोमीटर दूर है, वहां के बीके सदस्यों से स्नेह भरी मुलाकात की, जहां उनका रूस परंपरा के अनुसार शहद खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान खुशी कैसे कायम रहे इस विषय पर बीके हरीश ने अपने विचार रखे। आगे उन्होंने रशिया के चेरेपोविट्स शहर के कार्यक्रम में तनाव मुक्त जीवन विषय पर सभी का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर चेरेपोविट्स रेडियो के टीवी संपादक और उद्घोषक तात्याना डेमिंडोवा, साथ ही अभिनय स्टूडियो पिककोली अटोरी, चेरेपोविट्स की शिक्षिका और गायिका एलेना बुरालेवा भी मौजूद रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।